Hi and welcome to our vocabulary session. In this session we learn some words, their meaning and their use in a sentence. Shuru karte hain. Pehla hai expeditious. Expeditious. Expeditious ka matlab hai quick and efficient. Jo jaldi mein kiya gaya, quickly kiya gaya aur efficient tarike se kiya gaya. Yani achha bhi kiya. Jaldi mein kiya aur achha bhi kiya. Expeditiously she prepared the presentation in such less time. उसने कम टाइम में भी अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, expeditiously यानी क्विकली बनाया और अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया कम टाइम में. नेक्स्ट mire, mire, mire का मतलब है mud यानी कीचड़, mud और एनी डिफ़िकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन या कोई भी मतलब डिफ़िकल्ट मुश्किल या दुखद अनप्लीजेंट जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ऐसा कोई सिचुएशन या कीचड़ इसको बोलते हैं मायर. और ऐसे सिचुएशन में फंस जाना, ट्रैप्ड इन सच डिफ़िकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसको भी बोलते हैं मायर. यानी ऐसे सिचुएशन जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ट्रैप जैसा है, उसमें कोई फंस गया है, वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है. He is stuck in a mire due to promises he made earlier. उसने पहले कुछ promises किए थे उसके वजह से अब वो एक mire में फंसा है, यानी एक बहुत ही difficult सा condition में वो अब फंस गया है. Next, tyranny. TYRANNY. Tyranny का मतलब cruel, harsh, dominant rule in which absolute power is in one's hand only. ऐसा कोई मतलब सिस्टम है या रूल है जहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर है यानी जितने भी पावर है वो सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में है. जैसे डिक्टेटरशिप होता है, एक ही डिक्टेटर होता है, तो वैसे बोल रहे हैं कि एक ही इंसान के हाथ में सारे पावर्स है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, अत्याचारी है, हार्श बिहेवियर करते हैं सबके साथ, डोमिनेंट है, मतलब वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा. वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी को कुछ बात का जवाब नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वैसा है टायरनी. I left the group because of tyranny. There was no respect. मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया tyranny की वजह से. यानी वहाँ पे ऐसा था कि एक ही इंसान था, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, वो दूसरों के अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, बस खुद की मर्जी से करता था. There was no respect. कोई रेस्पेक्ट नहीं था वहाँ पे दूसरों के लिए. Next, flout. FLOUT. Flout का मतलब फेल टू फॉलो रूल, लॉ और कस्टम. किसी नियम कानून लॉ इसको मानने से फेल कर जाना, मतलब नहीं मान पाना, उसको बोलते हैं फ्लाउट करना. अगर कोई नियम कानून ना मान पाए उसको बोलते हैं फ्लाउटिंग द रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड कॉस्ट यू फाइन. अगर तुमने मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसको नहीं माना, फ्लाउट किया, तो इससे क्या होगा, तुम्हें फाइन लगेगा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. नेक्स्ट है बार. BAR. बार का मतलब अ लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ वुड और मेटल टू ब्लॉक और सिक्योर समथिंग. मतलब धातु का या वुड का, लकड़ी का ऐसा लॉन्ग मतलब लंबा सा पीस होता है, जैसे ऐसे पीसेस होते हैं ना स्टील के या आयरन के या वुड के, ऐसे पीसेस को बोलते हैं बार, जो किसी चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है. या फिर आप किसी को भी प्रिवेंट कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो कहीं पे जाने से या कुछ करने से, किसी को रोकना या किसी सिचुएशन को, कोई प्रोसेस को रोकना, वो भी है बार करना. He was barred by his family from going to the dangerous place. वो dangerous place में जाने से उसके family ने उसको bar किया था, यानी उसके family ने उसे रोका था. Let's do a quick revision. पहला था expeditious, यानी बहुत ही जल्दी में अच्छा कुछ करना, quickly करना, efficiently करना. Next था mire, यानी कीचड़ में फंस जाना या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, डिफ़िकल्ट है, उसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा. फिर है टायरनी, यानी बहुत ही अत्याचारी सा रूल करना, डोमिनेंट रूल होना, हार्श बिहेवियर होता है सबके साथ, किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम. फिर है फ्लाउट, यानी किसी नियम कानून को अगर कोई ना मान पाए तो उसको बोलते हैं फ्लाउट करना. फिर है बार, किसी वुड या मेटल का जो स्ट्रेट लॉन्ग पीस होता है, लंबा सा एकदम, और एकदम रिजिड यानी बहुत ही
स्ट्रॉन्ग सा, उसको बोलते हैं, या फिर आप किसी को रोक रहे हो, किसी घटना को रोक रहे हो, वो भी है बार करना। तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड्स थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।